लैंड फॉर जॉब स्कैम के केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत सभी 15 आरोपियों को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश होना था, लेकिन लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है। वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पिछले महीने ही सिंगापुर से लौटे हैं, इसलिए लग रहा था कि लालू की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 10 बजे सुबह सुबह लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। लालू यादव मास्क लगाकर व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट में पहुंचे। क्योंकि लालू की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए काफ़ी एहतियात बरती गई थी। लालू यादव कोर्ट पहुंचे थे, इसलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और रिपोर्टर बड़ी संख्या में मौजूद थे। लालू यादव को राबड़ी देवी और मीसा भारती सावधानी के साथ कोर्ट रूम में ले गए। 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई ने आरोपियों के जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत सभी 15 आरोपियों को 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर बेल दे दी। इस केस में अब अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। जैसे ही लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने की खबर बाहर आई, पटना में जमकर सेलिब्रेशन शुरू हो गया। विधानसभा में विधायकों ने जमानत मिलने की खुशी में मिठाई बांटी। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि जीत सच की ही होती है। जनता की इच्छा को न्यायालय ने जो आज सामने सत्य था उसको स्वीकारा है। आदरणीय लालू प्रसाद बिहार के जन नेता रहे हैं, गांधीवादी देश में न रहे, समाजवाद न रहे, यही न खड़ेंतकारी चाहते हैं। लेकिन अफसोस, राजनैतिक व्यक्तित्व का इस तरह चरित्र हनन शायद दुनिया में कोई करने का प्रयास नहीं किया हुआ। लेकिन न्यायालय है और मैंने न्यायालय पर हम लोग को भरोसा था और उसने साबित किया कि भारत में लोकतंत्र भी, न्याय भी और सत्य की विजय हमेशा होती रहेगी। लालू पर आरोप है कि रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले उन लोगों से सस्ते दामों पर जमीन ली जिन्हें उन्होंने नौकरी दी। ये जमीन लालू परिवार के मेंबर्स के नाम पर ट्रांसफर की गई। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि लालू ने कोई गुनाह नहीं किया। सरकार के इशारे पर लालू यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के नेता कुछ भी कहें, इस केस में लालू के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं कि सजा होकर रहेगी। बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल होगी। तो अब नीतीश जी या कोई कितने भी जोर लगा ले, अब वो लालू परिवार को बचा नहीं सकते, इतने पुख्ता प्रमाण है। जनता दल यू के लोगों ने ही जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। केस कभी बंद नहीं होता है। अगर कोई मर्डर कर दे 10 साल के बाद भी प्रमाण अगर मिले तो केस फिर से जिंदा होता है। हेमा यादव को हृदयानंद चौधरी, जो रेलवे के फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी कीमती जमीन क्यों गिफ्ट में दे दिया? क्यों ललन चौधरी ने अपनी कीमती जमीन राबड़ी देवी को गिफ्ट में दे दिया? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको रेलवे में या कहीं नौकरियां लगी और जिनसे बाद में जमीन लिखवा लिया गया। व्हीलचेयर पर जाएंगे, मास्क लगाकर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कानून ये नहीं कहता है कि कोई बीमार है तो उसे पूछताछ नहीं होगी या कानून उस पर काम नहीं करेगा। इसलिए जो आरोप लगे उसका जवाब देने के बजाय बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तंग किया जा रहा है, इस प्रकार का सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि इस केस में लालू यादव या किसी भी आरोपी को सीबीआई ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं जिनमें साफ साफ कहा गया कि अगर जांच के दौरान गिरफ्तारी न हुई हो और चार्जशीट फाइल हो चुकी हो तो कुछ कानूनों के तहत दर्ज हुए केसेस को छोड़कर बाकी केसेस में आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए। इसलिए लालू यादव को जमानत मिलना तय था। सीबीआई ने भी इसका विरोध नहीं किया,
लेकिन केस का मेरिट कुछ भी हो, आरोप कुछ भी हो, जिसने भी आज लालू को मास्क लगाए व्हीलचेयर पर बैठे कोर्ट में जाते देखा, उसकी सहानुभूति लालू के साथ होगी। सब जानते हैं कि लालू अभी अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करवाकर लौटे हैं, उनकी इम्यूनिटी लो है, ऐसे पेशेंट को भीड़ भाड़ में जाने से इन्फेक्शन का खतरा रहता है, जान पर बन सकती है। इसलिए अगर लालू को कोर्ट न बुलाया गया होता तो बेहतर होता। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मेडिकल कंडीशन को देखते हुए लालू को कंसेशन दिया जाना चाहिए था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।